नमस्कार, मैं डॉक्टर नीति कपूर कौशल हूँ। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ मणिपाल हॉस्पिटल पटियाला में। 11 अप्रैल को पार्किंसन डिजीज़ की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए पूरे विश्व में वर्ल्ड पार्किंसन डे मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि पार्किंसन डिजीज़ क्या है। पार्किंसन डिजीज़ ब्रेन की एक डीजनरेटिव कंडीशन है, जिसमें ब्रेन में जो डोपामिन पैदा करने वाले न्यूरॉन्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं, जिसकी वजह से डोपामिन की पैदावार में कमी आती है और उसकी कमी आने की वजह से शरीर में मूवमेंट में दिक्कत आती है। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके चार प्रमुख सिम्टम्स हैं। फर्स्ट इज़ ट्रेमर्स, ट्रेमर्स यानी कि हाथों में कंपन। इसके ट्रेमर्स को रेस्टिंग ट्रेमर्स और पिन रोलिंग ट्रेमर्स भी कहा जाता है। रेस्टिंग यानी कि पेशेंट जब आराम से बैठे हैं तब ट्रेमर्स होते हैं, पर जैसे ही वो मूवमेंट करते हैं तो ट्रेमर्स जो है कम हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। और पिन रोलिंग यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो हाथ से माला जप रहे होते हैं। तो इसके जो ट्रेमर्स हैं जनरली हाथ की एक साइड में, बॉडी की एक साइड में स्टार्ट होते हैं और ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो दूसरी साइड को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। सेकंड इज़ ब्रैडीकाइनेसिया। ब्रैडीकाइनेसिया यानी कि धीमापन। इसमें पेशेंट्स के जो शरीर में धीमापन आ जाता है, जो चलने की या काम करने की गति है वो स्लो डाउन हो जाती है। इसमें पेशेंट का जो चेहरा है वो मास्क लाइक हो जाता है, आवाज़ चेंज हो जाती है और हैंडराइटिंग छोटी हो जाती है, पलकों का झपकना कम हो जाता है और वो छोटे छोटे कदमों से चलने लगते हैं, पैर घिसा के चलने लगते हैं। तीसरा सिम्टम है रिजिडिटी। रिजिडिटी यानी कि अकड़ाहट और स्टिफनेस, पेशेंट्स के हाथों पैरों में अकड़ाहट आने लगती है। चौथा है पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। जैसे ही डिजीज़ एडवांस करती है पेशेंट की जो गेट है वो इम्बैलेंस होने लगता है, गेट को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। इसमें पेशेंट्स को और भी कुछ नॉन सिम्टम्स होते हैं जिसे हम नॉन मोटो सिम्टम्स कहते हैं, जैसे कि हाइपोसमिया जिसमें सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन रहने लगती है और स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं, कुछ ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन हो जाता है जैसे कि यूरिनरी डिस्टर्बेंसेज और ब्लड प्रेशर लो होना, और कई पेशेंट्स में मूड चेंजेस और सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है। तो अब हम जानते हैं कि इसके कारण क्या है। इसका कुछ खास कारण अभी तक पता नहीं चला, इसीलिए इसको इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं। हाँ, कुछ रिस्क फैक्टर्स देखे गए हैं जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज़ होने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, जैसे कि एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और कुछ टॉक्सिन्स हैं जिसमें MPTP, मैंगनीज है, या फिर जो लोग वेल वाटर का यूज़ करते हैं उनके अंदर भी देखी गई है, और कुछ केसेस में कुछ जेनेटिक फैक्टर्स का भी रोल है। तो अब हम जानते हैं कि इसको हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए जनरली न्यूरोलॉजिस्ट आपको एग्जामिन करते हैं और एग्जामिनेशन करने से ही उनको पता चल जाता है कि आपको पार्किंसन डिजीज़ है, और कुछ कंफ्यूजिंग केसेस के अंदर डोपामिन स्कैन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब हम जानते हैं कि पार्किंसन के जो लक्षण हैं क्या ये सिर्फ पार्किंसन डिजीज़ में होते हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे एटिपिकल पार्किंसन या पार्किंसन मिमिक्स कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जिनके अंदर पार्किंसन जैसे ही सिम्टम्स होते हैं, बट इनमें कुछ एडिशनल सिम्टम्स भी होते हैं जिन्हें हम रेड फ्लैग साइन सिम्टम्स बोलते हैं, जैसे कि डिजीज़ के शुरुआती दिनों में ही पेशेंट को सिग्निफिकेंट मेमोरी डिस्टर्बेंसेस होना, शुरुआती दिनों में ही पेशेंट का जो बैलेंस है वो बिगड़ने लगना, जिसे हम बोलते हैं कि रिकरेंट फॉल्स होने लगती हैं पेशेंट्स को, या फिर आई की मूवमेंट है वो एबनॉर्मल होने लगे, या फिर पेशेंट को एसोसिएटेड डिस्टोनिया या मायोक्लोनस हो, या फिर जो लिवरडोपा का रिस्पॉन्स है वो इतना सिग्निफिकेंट ना आए पेशेंट को। तो ऐसे केसेस में पेशेंट को एटिपिकल पार्किंसोनिज्म हो सकती है। इसको भी डायग्नोस करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो डिजीज़ कोर्स है या प्रोग्नोसिस है या फिर रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट है वो बहुत ही डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में मैं एक बात कहना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको अर्ली, जितना अर्ली डायग्नोस कर लिया जाए उतना अच्छा है, बिकॉज अर्ली ट्रीटमेंट से पेशेंट के अगले जो 10-20 साल है वो नॉर्मल निकल सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में 3-4 तरह की दवाइयाँ हैं। दवाइयाँ जनरली हम लो डोज से स्टार्ट करते हैं और कम मात्रा की ड्रग्स में स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे डिजीज एडवांस होती है डोजेज भी बढ़ती जाती हैं, नंबर ऑफ ड्रग्स भी बढ़ती जाती हैं। एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें दवाइयाँ पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स पैदा करने लगती हैं, जैसे कि डिस्काइनेसिया। तो ऐसे केसेस में सर्जरी हेल्प करती है, जिसमें हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कहते हैं। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में पेशेंट के ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोड डाल के उसको पेसमेकर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो अगले 8-10 साल जो है पेशेंट आराम से निकाल देते हैं, और फिर लेटर ऑन पेशेंट को प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है।
तो अब हम बात करते हैं कि एक्सरसाइज और डाइट का क्या रोल है। डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज जितना आप बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट लेंगे उतना आपका जो वेलबींग है वो अच्छा रहेगा। तो ऐसे पार्किंसन के मरीजों को जो हरी सब्जियां हैं या कलर्ड फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सब उनको ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। हाई फाइबर डाइट कंज्यूम करनी चाहिए, ग्रीन टी कंज्यूम करनी चाहिए, बिकॉज वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। हाइड्रेटेड रहना चाहिए, पानी का जो इस्तेमाल है वो एडिक्वेट होना चाहिए, और पेशेंट्स को ड्राई फ्रूट्स भी कंज्यूम करने चाहिए। तो एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि साइकिलिंग, जॉगिंग और स्विमिंग और डांसिंग इवन बहुत हेल्प करती है। योगा के कुछ आसन हैं बहुत हेल्प करते हैं, प्राणायाम बहुत हेल्प करता है। तो ऐसा देखा गया है कि जो पेशेंट्स रेगुलर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिव रहते हैं उनका जो डिजीज़ प्रोग्रेशन है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके किसी रिश्तेदार या आपके किसी क्लोज रिलेटिव को या फैमिली में किसी को ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो आप तुरंत उनकी जांच कराएं, न्यूरोलॉजिस्ट से दिखाएं, और क्योंकि जल्दी और टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पेशेंट्स की जो है आगे की लाइफ काफ़ी क्वालिटी हो सकती है।